हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर चैप्टर 6 यूजिंग नोट पैड. व्हाट इज़ अ नोट पैड? नोट पैड इज़ अ प्रोग्राम विच हेल्प अस टू राइट लेटर्स, स्टोरीज एंड पोएम ऑन द कंप्यूटर. नोट पैड किसको कहते हैं? जो प्रोग्राम होता है, नोटपैड एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग लेटर, स्टोरीज, पोएम, कुछ भी जो भी लिखना चाहें आप लोग टाइप कर सकते हैं. कर्सर, जो स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन आती है नोटपैड में, वर्क एरिया में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्सर. तो ये कर्सर नोटपैड ही क्वेश्चन नंबर ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर सी, हाउ कैन यू सेव योर टेक्स्ट रिटन इन नोटपैड? आप लोग अपने जो टेक्स्ट आप लोग लिखते हैं उसको आप लोग नोटपैड में कैसे सेव करेंगे? तो आप इसका आंसर यहाँ से करेंगे. ये देखिए, सेविंग इन नोटपैड, ये आंसर नंबर 3 हो गया. आंसर नंबर 3, तो आप यहाँ से पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, क्लिक ऑन फाइल इन द फाइल इन द मीनू बार, द मीनू अपीयर्स विद डिफरेंट ऑप्शंस. उसके बाद नंबर 3, नाउ गो टू द सेव ऑप्शन एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन. सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. गिव द नेम ऑफ योर फाइल, का नेम देंगे आप उसके. उसके बाद क्लिक सेव बटन टू सेव इट इन द कंप्यूटर. को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे. तो ये आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. तो आप इसको अपनी बुक से ही कंप्लीट कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ कैन यू ओपन योर सेव्ड टेक्स्ट इन नोटपैड? अब आप लोग अपने कैसे ओपन करेंगे सेव्ड टेक्स्ट जो होता है नोटपैड में, उसको कैसे ओपन करेंगे ये आपको बताना है. यहाँ पर आ गया ओपनिंग सेव टेक्स्ट, ये आंसर नंबर आपका 4 हो गया. क्लियर? यहाँ से क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे टू ओपन योर सेव टेक्स्ट. नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल मेनू, क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन, इंटर द नेम यू हैव गिवन टू द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन ओपन बटन. योर फाइल विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. यहाँ तक आप क्लिक करेंगे. ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा. क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट करने हैं. और इसमें जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे.